हेलो फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, हमारे पास में लेनोवो का मोबाइल है जिसका मॉडल आपके सामने आपको दिख रहा है, लेनोवो A6000। और दोस्तों, इसके अंदर एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो डेड की है। ये मोबाइल पूरी तरीके से डेड है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे साथ ना आती है तो किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है और कौन से ऐसे पर्टिकुलर पार्ट है जो कि हम इसको टारगेट करके चल सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, सबसे पहले जब भी ये होता है तो हमको मीटर को बिग बजर की रेंज पर रखना होता है इसको चेक करने के लिए। ठीक है, और एक सिरे को हमको कर लेना ग्राउंड है। देखिए, एक तो ये ग्राउंड है BSI की सप्लाई, और ये तो ये पूरी तरीके से शॉर्ट मोबाइल है। और ये अगर आपके पास में ऐसी कोई कंडीशन आती है कि पूरा शॉर्ट मोबाइल होता है, तो किस तरीके से उसको आप रिपेयर करेंगे और कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिसको आपको देखना है, तो मैं आपको आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताने की मैं आपको कोशिश करूँगा इसके अंदर। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको वही डिपार्टमेंट बताऊँगा जो कि इसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो ख़राब हो सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है ना, क्योंकि हम इसमें कंफ्यूज होते हैं बहुत सी बार। तो मैं आपको वही पार्ट्स इसमें बताऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो कंडीशन है। एक तो ये कि अगर इसकी पावर IC ख़राब हो तब भी ये होता है। अगर पावर IC ख़राब नहीं है तो फिर हमको कौन से पार्ट्स को देखना है, और पावर IC ख़राब है या नहीं ख़राब है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मैं आपको वही चीज़ आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आप इसका जो V-Bait का जो प्लस पॉइंट होता है, वहाँ से जो सप्लाई जाती है उसमें जो भी पार्ट्स लगे हुए, उस पार्ट्स के अंदर कनेक्टिविटी आती है। डाइवर्ट लगा हुआ था, देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो ये डाइवर्ट इससे कनेक्ट है। ठीक है दोस्तों, जो डाउटफुल है तो आपको एक ये डाइवर्ट है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये कंपोनेंट लगा हुआ है, एक ये कंपोनेंट है, एक दो ये दो, उसके बाद में आपको कौन कौन से पार्ट्स चेक करना, मैं आपको वही बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, एक तो ये डाइवर्ट है, ये कंपोनेंट है, ये जो लगा हुआ है, इसके बाद में आपके नंबर आता है, कौन कौन से पार्ट्स इसमें शॉर्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो इसकी लाइन में आते हैं वो सारे पार्ट्स हम देखेंगे यहाँ पे। ये देखिए, देखिए दोस्तों, ये वो पार्ट्स है जो कि जिसके शॉर्ट होने से ये मोबाइल डेड हो जाता है। जहाँ भी बजर बजेगा, ये देखिए, आप जिस पे भी बजर बज रहा है उस चीज़ को नोटिस कीजिएगा। देखिए, ये एक ही डाइवर्ट है, देखिए दोस्तों, एक तो ये डाइवर्ट है जो कि पूरी तरीके से शॉर्ट हो सकता है, तो इसकी वजह से हमारा मोबाइल डेड होगा। ठीक है, यहाँ पे एक ये जो डाइवर्ट है, ये जो डाइवर्ट है, ठीक है दोस्तों, जो दोनों तरफ बदल, एक ये वाला जो डाइवर्ट है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ इसको, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ जूम करने की इसको। ये है, उसके बाद में देखिए दोस्तों, एक जो कंपोनेंट लगा हुआ हमारे यहाँ पे है, ये
देखिए दोस्तों, ये जो कंपोनेंट हमने मैंने जो जो आपको बताया जहाँ पे बजर बज रहा है वो डाउटफुल है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो डाउटफुल पार्ट्स हमारे लिए होता है वो ये वाला है। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये वाला जो कंपोनेंट है वो सबसे ज़्यादा डाउटफुल है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 से 3 मोबाइल ऐसे बनाए हैं जिसके अंदर ये वाला कंपोनेंट ख़राब था, जिसकी वजह से मोबाइल डेड हुआ था। तो हम क्या करेंगे कि इसको रिमूव कर लेंगे, और इसको रिमूव करने के बाद में हम देखेंगे कि किस तरीके ये इसका सॉल्यूशन होता है कि नहीं होता। ये सारे पार्ट्स भी है, लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है वो ज़्यादा इसके अंदर ख़राब होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं। रिमूव आप हॉटगन से भी कर सकते हो, चाहे तो आप इसको निकाल लिया है, आपके सामने है। देखिए हम इसको भी एक बार चेक कर लेते, ये पार्ट्स की कंडीशन क्या बता रही है, हम इसको भी एक बार देख लेते हैं, बज़र चेक कर लेते हैं। हमारा बज़र कंप्लीट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे चेक करने पे ये जो पार्ट्स है पूरी तरीके से शॉर्ट बता रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको हम हटा देते हैं, और हमारा मोबाइल जो है हम उसको एक बार चेक करते हैं कि अब हमारे इसके अंदर शॉर्टिंग जो थी वो है या नहीं है, हटी या नहीं हटी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो शॉर्टिंग है पूरी तरीके से हट चुकी है। आपको थोड़ा सा ये देखिए दोस्तों, जो पहले शॉर्ट था मोबाइल अब पूरी तरीके से शॉर्टिंग हट चुकी है। अब हम इसको एक बार ऑपरेट करके देख लेते हैं इस मोबाइल को। ऑन हो चुका है, तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको इसकी थोड़ी डिटेल बता देता हूँ कि किस तरीके से हम, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो किस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। एक बार मैं आपको फुली डिटेल के साथ में, आप देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास में कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हमारा मोबाइल पूरी तरीके से शॉर्ट है, तो हमको क्या करना है, पहले तो यहाँ पर बज़र पर हमको इसकी सप्लाई को चेक कर लेना, अगर ये फुल शॉर्ट बताता है तो उसके बाद में एक कंपोनेंट ये जो डाइवर्ट दिया हुआ है, इस डाइवर्ट के बाद में आप देखेंगे कि ये डाइवर्ट का कनेक्शन आपके इस कंपोनेंट पे जाता है। इस कंपोनेंट के बाद में यहाँ पे कहीं भी कोई कंपोनेंट प्लस की लाइन से कनेक्ट नहीं है, आपको सीधे आ जाना है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, ये जो डिपार्टमेंट, एक्चुअली ये लाइट का डिपार्टमेंट है, और आपको पता है कि बूस्ट कॉइल और कंपोनेंट का बूस्ट कंपोनेंट जो होता है उसके ऊपर सीधा वोल्टेज आता है वीबेट से, तो अगर वो शॉर्ट होता है तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर लाइट डिपार्टमेंट में अगर कोई फॉल्ट आती है तो भी मोबाइल डेड हो सकता है। तो हमको यहाँ पे ये जो कंपोनेंट लगे हुए हैं इसको चेक कर लेना है। यहाँ पे किसी को भी आपको टच नहीं करना है, क्योंकि इसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ से जो कंपोनेंट हमने हटाया है उस कंपोनेंट की बात करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जब यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी को चेक करेंगे वीबेट से, सीधी कनेक्टिविटी इसकी आती है यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको सीधा कनेक्शन आपका यहाँ पे मिलेगा। तो ये शॉर्ट होने की वजह से ये होता है, और मोस्ट ऑफ
इस मोबाइल के अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि ये शॉर्ट होता है तो मोबाइल डेड हो जाता है। तो यहाँ पे इसको रिमूव करके अभी आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं अगर ये है तो। दोस्तों ये तो थी पहली बात। दूसरी बात कि अगर ये सब कुछ करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो हमको करना क्या है, ठीक है? अगर ये शॉर्ट होगा तो डेफिनेटली ये चीज़ सामने आ जाएगी, लेकिन अगर नहीं होता है तो हमको क्या करना है, मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ। मोबाइल हम पहले खोल के दूसरी की तरफ देखिए दोस्तों, इस के बोर्ड को हमने खोल दिया। खोलने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने चीज़ आपको बताई कि कौन सा कंपोनेंट इसके अंदर ख़राब हो सकता है तो वो मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे देखने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको फिर उसको बैक करना है। बैक करने के बाद में देखिए दोस्तों, ये है आपकी पावर की आईसी। ये पावर आईसी है, तो देखिए दोस्तों, फिर आपको इसको टच करना है, इसको देखना है, इसके कंपोनेंट को आसपास देखना है, और उसके बाद में अगर नहीं है तो फिर आपको इसको चेंज करना है। रिबॉल कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ तो प्रॉब्लम इसी में होती है। इस कंपोनेंट से शायद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है दोस्तों? तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।